हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सोहेब आज आपके सामने गुलबर्गा के वन ऑफ द मोस्ट एक्टिविस्ट कमिश्नर मैडम फौजिया तरन्नुम आज हमारे साथ हैं। तो मैडम, हमारा इस स्पेशल सेशन में वेलकम करते हैं आपका। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैडम, सिटी के रिलेटेड जो आवाम के बीच में क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपके पास आज लेकर आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कमिश्नर, आप जब से यहाँ पर आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वर्क कर रहे हैं और सिटी में डेवलपमेंट्स के और वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। तो एक आप प्लास्टिक बैन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही हैं, तो इसका स्ट्रैटेजी क्या है मैडम की? और स्ट्रीट पे जो कारोबार कर रहे हैं और जो बड़े डीलर्स हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लास्टिक के रिलेटेड? जी, ये जो प्लास्टिक रेड है, इट्स अ मैंडेट एक्चुअली जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स करके 2016 में ही रिलीज हुए थे। दे वर सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन वन ईयर। सो 2017 वॉज एक्चुअली द डेडलाइन फॉर प्लास्टिक बैन। जो प्रॉब्लम जो हुआ, जो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकलिटीज थे, जो फील्ड पे रिक्वायरमेंट्स थे, इसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये सब देख के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल के वन ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप, इन्होंने ये केस उठाया। और जो अपना केस था 606 ऑफ 2019, जनवरी में एक ऑर्डर डाला था जिसमें बताया कि बाई ऑगस्ट वी विल हैव टू इम्पोज द प्लास्टिक बैन इन टोटैलिटी। सो ये जो है, इस एक जुडिशियल अथॉरिटी है। जब ऐसे कोर्ट से या फिर जुडिशियल अथॉरिटी से ऐसा एक डायरेक्शन आता है, तो वी डोंट हैव अ चॉइस एनी मोर। अब जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन लिमिट्स के अंदर एज पर कर्नाटका गवर्नमेंट, हर तरह का प्लास्टिक बैन है। बी इट प्लास्टिक स्पून, बी इट प्लास्टिक प्लेट्स, माइक्रोन का कुछ लिमिट नहीं लगाया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। हर तरह का प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड है। एग्जेम्पशन सिर्फ दो रकम के हैं, एक जो एक्सपोर्ट के लिए SEZ में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन जो बन रहे हैं वहाँ पे जो प्लास्टिक यूज होता है वो एक अलाउड है। फिर जो इसेंशियल फूड पैकेजिंग में अलाउड है वो एक प्लास्टिक अलाउड, जैसे कि मिल्क पैकेट्स, इसका बैन नहीं हुआ है। बाकी हर तरह का प्लास्टिक बैन हुआ है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा कि जब ऐसे कोर्ट से ही मैंडेट आया है और हम सब पे लागू है, सिर्फ मेरे पर या आप पे नहीं, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ गुलबर्गा पे ये लागू है, वी शुड फॉलो दिस कोर्ट डायरेक्शन। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हर जगह अपने एनवायरमेंटल इंजीनियर, सारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स मार्केट एरियाज में, मेजर मार्केट एरियाज में अभी ऑलरेडी रेड्स कर रहे हैं। लास्ट वन वीक में मोर देन 1 टन ऑफ प्लास्टिक सीज हुआ है। बट अपना रोल सिर्फ लोगों से जाके सीज करना नहीं है, ये यूजेज ही स्टॉप करना है। सो हमने सारे बल्क जनरेटर्स के साथ मीटिंग किए हैं और मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेक्स्ट वीक मीटिंग कर रहे हैं। जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ लास्ट वीक ही मीटिंग की थी, होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की थी, सबको बताया है। इनफैक्ट इवन व्हेन द NGT चेयरपर्सन वॉज हियर, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि वी शुड गो बैक टू द ओल्ड टाइम्स। जैसे हम कहीं होटल जाते थे और कुछ पार्सल लेना है, तब हम ही टिफिन लेके जाएंगे, टिफिन में अपना जो पार्सल है लेके आएंगे, प्लास्टिक में कुछ पैकेजिंग नहीं होगा। सो ये तरह से वी आर नॉट ओनली डूइंग मीटिंग्स टू वार्न देम, सिर्फ वार्निंग मीटिंग्स कर रहे हैं अब। एंड August 1st ऑनवर्ड्स हम बहुत हैवी फाइन्स एंड पेनल्टीज डालने की सोच रहे हैं। दीज फाइन्स फॉर कमर्शियल विल बी एज हाई एज 25,000 फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ वायलेंस। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, द कॉरपोरेशन डज नॉट वॉन्ट टू कॉज ट्रबल टू एनीबडी। हम रिक्वेस्ट करें कि आप अगर सब हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, तो हम सच में गुलबर्गा को एक प्लास्टिक फ्री सिटी बना सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट, इट इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट्स। सो इसका आप अगर सब पालन करेंगे, तो आई एम श्योर गुलबर्गा विल बिकम अ क्लीन सिटी वेरी सून। तो मैडम, बहुत सारे जो डीलर्स हैं और शॉप होल्डर्स हैं, वो इस चीज़ से परेशान है कि प्लास्टिक के बाद कोई सेकंड ऑप्शन उनको नजर नहीं आ रहा है। सो इज देयर एनी सेकंड ऑप्शन दैट सिटी कॉर्पोरेशन इज प्रोवाइडिंग? देयर आर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स एक्चुअली। ये सोच कि कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, दिस इज क्वाइट रॉन्ग। जब हम सब छोटे थे तो तब इतना प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता था जितना कि हम आजकल देख रहे हैं। पहले वी यूज़ टू हैव द पेपर बैग्स, पेपर बैग्स अभी भी बन सकते हैं, घर घर में बन सकते हैं, क्लॉथ बैग्स हर जगह प्रेजेंट है। अब देखिए, आप डिमांड एंड सप्लाई ही देख लीजिए। अगर बड़े मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पे वो प्लास्टिक नहीं दे रहे हैं, तब लोग 25 रुपये दे के क्लॉथ बैग ही ले रहे हैं। अगर वो वहाँ पे कर सकते हैं, ये सारे छोटे ट्रेडर्स के पास अपना ही बैग लेके जा सकते हैं, वहाँ से उनसे अपना जो फ्रूट्स और तरकारी जो खरीद रहे हैं उसी बैग में ले सकते हैं। हम हर जगह, हर एक पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन तो रहता ही रहता है।
I'm sure the cloth bag is much lighter than that phone, and it is just a matter of carrying that one cloth bag with us. हम जहाँ भी जाएँ वहाँ पे लेके जा सकते हैं. रीयूजेबल बैग्स अवेलेबल है. इसके अलावा हमने जो स्त्री सहयोग संघ है, जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो विमेन लेड हैं, उनके साथ भी हमने मीटिंग की है. उन्होंने उनके लिए हमने एक स्पेस भी प्रोवाइड की है यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफिस में. वहाँ पे 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये में जो वेरियस साइज ऑफ क्लॉथ बैग्स हैं वो वही टेलरिंग करते हैं, घर में ही बनाते हैं. होम बेस्ड इंडस्ट्री है उनकी, वो बना के लाते हैं और वो सेल कर रहे हैं. इसी तरह सिर्फ SHG ग्रुप्स ही नहीं, बहुत सारी जगह ऑल ओवर इंडिया ये जो क्लॉथ बैग्स का मूवमेंट है वो जारी है ऑलरेडी. सो हर जगह अवेलेबल है, हर मार्केट में, हर मॉल में अगर आप जाए तो ये अवेलेबल है. सो लोग ये परचेज कर सकते हैं और यही यूज़ कर सकते हैं. एंड इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं.